Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body YouTube channel. My name is Atul Dhiman and today I'll be discussing on very important topic, that is how you can score maximum marks in your EPFO interview that is conducted by UPSC, right? So, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट मंथ आपका EPFO का इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएंगे. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक. दिस इज़ योर लास्ट स्टेज और इस लास्ट स्टेज के अंदर आप बिल्कुल अपने तरफ से बिल्कुल कमी मत छोड़िएगा. पुट ऑल योर हार्ट एंड सोल टू प्रिपेयर फॉर दिस लास्ट स्टेज, राइट? चलिए. सो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभिपीडिया ने शुरू से लेके एंड तक आपको सपोर्ट किया है एज फार एज द EPFO एग्जाम इज कंसर्न. सो इस लास्ट स्टेज के अंदर भी अभिपीडिया आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा, आपको बिल्कुल हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग यू फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम या सेशंस, राइट? सो इन सेशंस के अंदर आपका एक मॉक इंटरव्यू सेशन होगा और साथ ही साथ आपका जो डैफ आप अपलोड करोगे हमारे पोर्टल के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, वहां पे आप जो है अपना डैफ अपलोड कीजिए. उसके बाद क्या होगा, आपको जो है उस बेसिस पे पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, विच विल बी वेरी यूजफुल टू आप जब सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो सवाल आपके काम के होंगे एंड यू कैन प्रिपेयर वेल विद दोज पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक एज वेल एज द मॉक इंटरव्यू सेशन दैट यू विल बी गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो चलो अब शुरू करते हैं इस सेशन को. इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभिपीडिया ने वैसे अभिपीडिया का एग्जिस्टेंस, अभिमन्यु का एग्जिस्टेंस कई सालों से है, लेकिन लास्ट वन ईयर का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊँ, जहाँ पे अभिपीडिया ने मेंटोर किया है एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रेस्टीजियस एग्जाम कैटेगरीज के अंदर, सो उसमें सबसे टॉप में है IAS अभिमन्यु UPSC सिविल सर्विसेज का ये रिजल्ट है, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर जनरल स्टडीज, मेंस प्रिपरेशन एंड अल्टीमेट इंटरव्यू प्रोग्राम, राइट? सो ये सारे हमारे सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स हैं. इसके अलावा भी हम लोग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं. UPSC का एक और एक प्रेस्टीजियस एग्जाम है, दैट इज UPSC असिस्टेंट कमांडेंट. ये लेटेस्ट रिजल्ट है जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को असिस्ट किया मल्टीपल स्टेजेस ऑफ द प्रिपरेशन के दौरान एंड इन सभी के जो टॉपर टॉक इंट्रैक्शन है वो हमारे अभिपीडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं यूट्यूब पे, जैसे अभिपीडिया डिफेंस, अभिपीडिया स्टेट, अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी, अभिमन्यु IAS, इन पे आप इन सभी टॉपर्स के वीडियोज इंट्रैक्शन देख सकते हैं. इनके नहीं बल्कि बाकी जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हैं. दिस इज NABARD, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो उसमें ये भी आता है और ये लेटेस्ट NABARD का रिजल्ट है असिस्टेंट मैनेजर्स का, जो कि अभी रिसेंटली निकला था. इसका फाइनल रिजल्ट निकला था जहां पे अभिपीडिया टीम वाज इन्वॉल्व्ड टू मेंटोर दी स्टूडेंट्स एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट्स एंड हमने भी कहीं ना कहीं इनकी जर्नी के अंदर हेल्प की, सो दे हैव सीन देयर नेम इन द मेरिट लिस्ट, राइट? सो ये इस तरीके से है. तो ये सारे रिजल्ट दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही है. ये तो बस एक दो तीन कुछ चीज़ें बताई हैं हमने. वैसे बहुत सारे एग्जाम्स की जो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभिपीडिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं इसीलिए, बिकॉज वी मेंटोर देम फ्रॉम आर हार्ट सो दैट कि उनका सिलेक्शन हो और अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिले. सो EPFO की जहाँ तक बात है तो EPFO का जो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू की, उसके अंदर फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा. जो भी आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें इन फंडामेंटल के ऊपर काम कीजिएगा और इनको रिपीट मत कीजिए कि मैं इसको गलती कर रहा हूँ तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, है ना? ये गलतियाँ रिपीटिशन मत कीजिए, अदरवाइज फिर वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी नहीं. तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑनेस्टी विदाउट ब्लफ. नाउ बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये पहले भी पता होगा कि इंटरव्यूज़ के अंदर आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना, बोला जाता है और आप फॉलो भी करते होंगे काफ़ी हद तक. लेकिन इसका मकसद क्या होता है कि आपको ऑनेस्ट क्यों रहना चाहिए? देखिए, ऑनेस्ट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो जो सामने बैठे हुए लोग हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट वर्सेटाइल पीपल, जिन्होंने हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेल किया होगा, राइट? तो उनके सामने आप जब ब्लफ करने की कोशिश करोगे, तोड़ मरोड़ के चीज़ें बताने की कोशिश करोगे और एक जगह भी उन्होंने वो पा लिया आपकी पर्सनालिटी के अंदर कि ये इंसान जो है इस तरीके से कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे आपका स्कोप जो होगा फॉर गेटिंग गुड मार्क्स खत्म हो जाएगा, राइट? आपको नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कल को अगर सेलेक्ट हो भी गए ना गलती से ये झूठ वूठ बोल के, तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में. सिंपल सा एक सिंपल स्टेटमेंट है, राइट? अब देखिए कैसे वो ऑनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर कैसे करवा सकती है, क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ के ऊपर, जैसे यू आर यंग पर्सन है ना, आपने अपने डाफ के अंदर लिखा हुआ है, हॉबी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है दैट यू लव फिजिकल एक्सरसाइजेज, आप योगा करते हैं, आप कुछ ना कुछ फिजिकली रनिंग करते हैं, हर दिन एक एक दो दो किलोमीटर भागते हैं, इस तरीके से सारी फिजिकल यू नो आपकी जो हॉबी वाला सेक्शन है वो आपने लिखा हुआ है, फिजिकल आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ये आपने लिख दिया है। बट जैसे ही आप एंट्री लेते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, और आपका फिजिकल हिसाब किताब देख के वो जज कर लेंगे कि इसने फिजिकल जो अपने हॉबी में तो बहुत कुछ लिख दिया है कि ये फिजिकली बहुत फिट रहता है या फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन जैसे ही इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए या बॉडी देखी जाए तो ये व्यक्ति जो है ये अपने जो इसने लिखा हुआ है और जो बोल रहा है उसके साथ मैच नहीं आ रहा है इसका फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन, व्हाट आई एम सेइंग इज प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी ढीली ढाली है, आप बोल भी बड़ा धीरे धीरे रहे हैं, एकदम उदास तरीके से है ना, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे देखने को नहीं मिल रहा कि आप में वो ऑप्टिमिज्म है, एंथुजियास्टिक है। तो वो जब आप इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन विद व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर शोइंग टू द पैनलिस्ट, यू अंडरस्टूड। तो मार्क्स तब मिलते हैं जब आपने जो डैफ में लिखा है, जो आप बोल रहे हैं और जो आप शो कर रहे हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन जाए, इट शुडंट बी लाइक कि जो इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर डिफरेंस निकालने का उनका काम है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी इंसान ने, किसी को इंटरेस्ट है, जिसने लिख दिया कि सर आई वुड लव टू डू सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी, मेरे को सोशल चेंज लाना पसंद है ना, और ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं एक सोशल पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट डाल सकता हूँ अपने अपने लोगों के बीच में, तो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने अपने पास्ट में क्या सोशल चेंज लाया है या क्या काम किया है सोशल सामाजिक कल्याण के लिए, क्या काम किया है, और पास्ट में आपने कुछ काम किया नहीं है, है ना। और अगर मान लीजिए कहने के लिए आपने बोल दिया कॉलेज डेज में मैं एनजीओ के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन आपका जो कॉलेज आपने पास आउट किया 2015-16 को, है कि नहीं, तो उसमें तो 6-7 साल का डिफरेंस आ गया, 5-6 साल का डिफरेंस आ गया, तो वो फिर आपका कहीं ना कहीं यू आर डूइंग ब्लफ, ठीक है। तो वो इवन इफ यू हैव डन इट इन योर कॉलेज डेज, बट अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, अभी तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो जो आपने बोला कि यू वुड लव टू ब्रिंग दैट सोशल चेंज या वुड यू वुड लव टू डू सोशल एक्टिविटी, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ऑनेस्टी दिखाओ, अपने काम के थ्रू दिखाओ, काम के थ्रू इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ, जैसे यू आर ए यंग पर्सन राइट एंड दे वॉन्ट यंग एनर्जी। जब भी बूढ़े लोग जो होते हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस 60-70 साल के लोग सामने बैठे होंगे, और जब एक यंग बंदा उनके पास से जाएगा ना, दे वुड एक्सपेक्ट एनर्जी कि वो यंग बंदा उनको एनर्जी ट्रांसफर करे, है ना। तो आप अगर 28 साल के हैं, 25 साल के, 26 साल के, बी वेरी एनर्जेटिक, बी योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक कि हाँ आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू, इफ आई एंटर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग सम यंग यूथफुल एलिमेंट विद मी, राइट। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत मोटे हैं, है ना, ऑब्वियसली पढ़ पढ़ के इंसान जो है वो इतना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, आप थोड़े से ओबेस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उस कैटेगरी में आप बोलेंगे कि सर अब तो मैं, मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो मेरा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप ना, आपके पास स्टिल यू हैव 1 month लेफ्ट या 20 दिन, 25 दिन, वॉट एवर द टाइम इज लेफ्ट, I would highly suggest you involve yourself in some physical activity. Physical activity may challenge yourself daily for 10 to 20 to 30 days. And even if आप 1 kg लूज ना करो, वैसे तो आप लूज करोगे, है ना, यहाँ पे मैं आपको वेट लूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसको अंडर वो मत कीजिएगा, अलग मिसइंटरप्रेट मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे माइंडसेट तैयार करने की बात कर रहा हूँ, राइट कि आपको अगर आप इफ यू वांट दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने अपने फिजिकल लेवल पे काम किया है, तो जब आप ओबेस कैटेगरी में और 20 से 25 दिन अपने आप को डेली चैलेंज देंगे टू इंप्रूव योरसेल्फ फिजिकली, तो जब आप 25 दिन अपने आप को डेली चैलेंज देते जाएंगे देयर यू विल सी इंप्रूवमेंट एंड दैट इंप्रूवमेंट विल मेक योर माइंडसेट और आपका मेंटल और फिजिकल एकदम अपनी लाइन में आ जाएगा। और जिस दिन आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, देन यू विल सी कि इवन इफ आई पॉसिबली लुक लाइक ओबेस,
है ना, थोड़ा मैं मोटा दिख रहा हूँ लेकिन मैंने इसके ऊपर काम किया है। और जब आप अपने सामने जाएंगे और वो बोलेंगे कि येस आई डू फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड इवन इफ यू हैव डन इट फ्रॉम द लास्ट 20 से 25 दिन के अंदर अंदर, बट वो जब चीज़ बोलेंगे तो वो आपके एक्सप्रेशन से आपका दिखेगा दैट यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ एनर्जी दैट यू आर कोटिंग द स्टेटमेंट दैट आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 20-25 डेज। तो वो आपका फिजिकल और मेंटल दोनों लाइन में आ जाएगा, और जब ये दोनों लाइन में आ जाता है तो फिर सामने वाले को मुश्किल होती है कि वो आपको गलत साबित करे। यू अंडरस्टैंड? तो ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आप में कोई गैप है, आपकी पर्सनालिटी में कोई गैप है, आपको लग रहा है ये चीज़ जो है दिक्कत क्रिएट कर सकती है, ये चीज़ फॉर एग्जांपल आपको आपको लगता है कि थोड़ा डिसिप्लिन मेरा ख़राब है ना, तो 20 से 25 दिन चैलेंज योरसेल्फ विद दिस डिसिप्लिन थिंग, है ना, कि 20 से 25 दिन आप बड़े तरीके से अपने आप को फुल डिसिप्लिन रखिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए एंड डेली इंप्रूवमेंट आप देखोगे। और जब आप 20 से 25 दिन ऐसा देखोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा और फिर आप जो बोलेंगे वो ऑनेस्टी के साथ बोलेंगे, राइट? तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि गैप भी है फिर भी उस गैप को फुलफिल कीजिए फॉर नेक्स्ट 20-25 डेज, फुल ऑफ अपने ऑनेस्टी के साथ कीजिए, आपका वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो वहां पे दिखेगा फिर, राइट? चलो, उसके बाद सेकेंड थिंग इज गेस वर्क बहुत ही मिनिमम कीजिए, राइट? अगर आप कुछ गेस कर भी रहे हैं तो टेक द परमिशन, क्योंकि जब आप परमिशन ले रहे हो दैट मीन्स यू हैव अ क्लैरिटी कि आई डोंट नो अबाउट दिस स्टेटमेंट, मुझे कंप्लीटली नहीं पता, मुझे कुछ हिस्सा पता है, मैं कुछ हिस्सा आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, बिकॉज आप जो है EPFO में जब जाएंगे तो यू विल बी समवेयर डाउन द लाइन यू विल बी एक्टिंग एज अ लीडर, you'll be having that role job profile to command people, है ना, आपके अंडर काम कर रहे होंगे लोग, ठीक है? और लीडर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिस क्वालिटी होती है दैट लीडर possesses द क्लैरिटी, कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है उसकी, उसका माइंडसेट बहुत क्लियर है। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो ये बिल्कुल याद रखिए कि आप अगर कोई भी चीज़ को गेस कर रहे हैं तो उसको क्लियर कट बोल दीजिए दैट आई एम मेकिंग दिस गेस, कैन आई मेक दिस गेस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस बट आई नो वॉट एवर आई नो कैन आई स्पीक आउट, राइट? तो ऐसा आप हम्बल तरीके से पूछ लीजिए उनको, राइट? बिकॉज इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपने एक्सेप्ट कर ली आई एम इग्नोरेंट अबाउट दिस पॉइंट, राइट, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू एक्सेप्टेड दैट, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, गेस वर्क करे जा रहे हो, बीटिंग अराउंड द बुश करे जा रहे हो, दैट मीन्स इग्नोरिंग इग्नोरेंस इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो ये क्वालिटी लीडर्स की नहीं होती है, राइट? तो इसको प्लीज इंश्योर कीजिए, ये चीज आप ना शो करो उनको, राइट? गेस कर रहे हो तो मेक इट वेरी क्लियर कि हाँ मैं गेस कर रहा हूँ, क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, स्माइल विद द कूल इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आई नो, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, UPSC जाना, वहाँ पे यू नो हॉल के अंदर बैठना, उसके बाद दे गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स, जो उनका स्टाफ होता है बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है वो, प्रेशर, स्ट्रेस, उम्मीदें, खुद की उम्मीद, पेरेंट्स की उम्मीद, दोस्तों की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, और आप वो चीज़ें थोड़ा बहुत सोच भी रहे होते हो, स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, ये टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का, तो आपको और आपका जो रोल होने वाला है आगे, अगर सेलेक्ट हो जाते हो, दैट विल बी अ रोल ऑफ अ लीडर, अ मैनेजर। तो मैनेजर और लीडर जो होते हैं, ये लोग ज़्यादा इनकी इफेक्टिवनेस दिखती तब है जब कोई प्रेशर या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, राइट? इनको हम लीडर तभी बोल सकते हैं ना जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो आम इंसान ना कर पाए। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सर्कमस्टांसेस, जब आपके पास प्रेशर है, स्ट्रेस है, लेकिन देन ऑल्सो यू आर स्माइलिंग एंड यू आर काम एंड कंपोज्ड। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आने वाली है एक महीने बाद, इसको ऐसा लीजिए, या मॉक इंटरव्यूज भी दे रहे हैं तो ऐसा इस तरीके से अपने अंदर हिम्मत बढ़ाइए कि इवन इफ सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं या प्रेशर ऐसा है, स्ट्रेस ऐसा है, लेकिन आई हैव टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट लीडर आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एमिंग फॉर दिस जॉब, ठीक है? तो उसको बहुत काम कंपोज तरीके से लीजिए, थोड़ी डीप यू नो
पहली बात तो है, ज़्यादा यू नो सेल्फ एनालिसिस कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर जो है ध्यान दीजिए एंड काम कंपोज रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पो आपने स्लो रखना है। जब भी आप मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हो या फिर आप फाइनल इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको जो भी आप स्टेटमेंट बोलते हो उसको बड़े ही तरीके से बोलना है। तरीके से इन द सेंस कि जैसे मैं आप बोल रहा हूँ तो शायद मेरी पिच जो है वो थोड़ी सी हाई है और मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ऑडियंस है वो भी इसी तरीके से सुनना चाहती भी है, राइट। अगर मैं चुपचाप पॉज ले के बोलूँगा तो शायद आप सो जाओगे, है कि नहीं। बट वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे यंग बंदा कोई नहीं आपको दिखेगा, वहाँ पे सबके सब ब्यूरोक्रेट्स या फिर मैच्योर जो एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वाले दिखेंगे आपको। तो अगर आप उनको इसी तरीके से तेजी भाषा से, तेज भाषा से सेंटेंसेस बोल के आप उनको करोगे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से वो उनके उनको समझ नहीं आया तो वो फिर पूछेंगे भी नहीं, और अगर उन्होंने पूछा नहीं, उनको नहीं समझ आया, तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप जो भी चीज़ें बोलते हैं एक सेंटेंस के बाद जो है उसको पॉज लेके बोलिए, दैट विल बी गुड इनफ। जब आप पॉज ले रहे हो तो आप चारों बंदों के सामने जो है, पांचों बंदों के सामने, जो भी आपके सामने पैनलिस्ट होंगे, उन सभी की तरफ आप देख रहे हो। एक बंदे को आंसर कर रहे हो 100% यस, आपको करना एक इंसान को ही आंसर है क्योंकि उसने ही सवाल पूछा है, लेकिन 80% उसके ऊपर ध्यान दीजिए, 20% बाकियों के ऊपर ध्यान दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, इससे कॉन्फिडेंस इससे दिखता है क्योंकि यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आप एक को तो एंगेज कर रहे हो जो बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है, आप बाकियों को भी एंगेज कर रहे हो, है ना। तो इट शोज योर व्हाट वी कॉल द कंफर्ट लेवल, दैट आई एम कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल जो पता नहीं कितने ज्यादा मुझसे एक्सपीरियंस्ड है। तो दिस शोज योर कंफर्ट, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड। तो 80% उसको ही दीजिए, 20% बाकियों को दीजिए, राइट। अब ये 80-20 ऐसा नहीं है, बहुत फिक्स नहीं है, ये आप सीख जाओगे जब मॉक इंटरव्यूज देते रहोगे, ठीक है। और राइट, तो इस तरीके से आपने अपना टेम्पो जो है स्लो रखना है, ज़्यादा तेज ना बोलिएगा, ये प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए, राइट। उसके अलावा क्रिएट कॉर्डियल इन एटमॉस्फेयर। देखिए इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो ना जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक ह्यूमन कैपेसिटी है। हम लोग भी जब मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं तो हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं, वही मोनोटोनस चीज़ें अगर मिलती रहें बार 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 तो सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है, उसको कुछ अलग दिखना ज़रूरी होता है, दिखाना अलग ज़रूरी है, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, आपको जर्नलिस्टिक आंसर्स नहीं देने हैं, यू शुड नॉट गिव जर्नलिस्टिक आंसर, स्पेसिफिक आंसर देना है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, जो आगे की प्रोफाइल को भी सूट करता है। ऐसा माहौल बनाइए जिस माहौल में वो सामने वाले भी सोचें कि यार इस बच्चे से और थोड़ा पूछ लेते, आउट ऑफ क्यूरोसिटी से पूछना उनका मन कर रहा है, तो वैसा कुछ माहौल बनाइए। मतलब इस तरीके से दिखाइए कि हाँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यूनिकनेस आपके पर्सनैलिटी के अंदर होनी चाहिए, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर तभी बनेगा, राइट। तो इसकी बिल्कुल आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट इज रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो है, दिस इज अ गेम चेंजर। मैंने आपको ये बात बताई कि हर आप जो बाकी लोगों के जो आंसर्स कॉपी करेंगे या फिर वही आंसर देंगे जो बाकी लोग भी दे रहे हैं, तो वो एक ऐसा आंसर हो जाएगा जो जर्नलिस्टिक इन नेचर होगा। स्पेसिफिक आंसर आपको देना है हर इंटरव्यू, हर मॉक सेशन में भी कोशिश कीजिए स्पेसिफिक आंसर दीजिए, राइट। और वो जो स्पेसिफिक आंसर है वो कैसे बनता है, मैं इसका आपको बहुत ही बेसिक तरीका बता देता हूँ। देखो स्पेसिफिक आंसर बनता है जब आप कोई भी चीज़ अपने बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, सामने पैनलिस्ट को दिखाते हैं कि ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है मेरा, ये बेस्ट सूटेड है फॉर माई जॉब, राइट। तो उस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए, उस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, यू हैव टू गिव रियल लाइफ इंसिडेंट, ठीक है। यू हैव टू गिव व्हाट रियल लाइफ इंसिडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट
जैसे मैं सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे सोशल सर्विस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने अपने बता दिया कि EPFO के अंदर व्हाई वुड यू लाइक टू गो इन द EPFO, बिकॉज आई वुड लव टू ब्रिंग दैट इम्पैक्ट जो मैंने अपने पास्ट के अंदर, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी चीज़ को, एक्सपर्टीज़ को, एकेडमिक्स की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके एक एक सोशल चेंज लाना चाहता हूँ, पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर। मैंने इसको ये स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो हैं बोलने वाले हैं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को और मजबूत कर दूंगा अपने कंटेक्स्ट में जब मैं इसको ये बोल दूंगा कि सर बिकॉज व्हाट आई हैव डन इन माय एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी, व्हाट आई हैव डन इन माय कॉलेज डेज, दैट आई पार्टिसिपेटेड इन सम एनजीओ, बहुत स्पेसिफिक दैट नेम ऑफ दैट एनजीओ, एंड इन दैट एनजीओ आई डिड पार्टिसिपेटेड इन दोज एक्टिविटीज वेयर आई वॉज परफॉर्मिंग दिस रोल, एंड उस रोल को मैंने कुछ नया इनोवेटिव चीज़ लेकर आया और जिससे जो है वो काम बहुत प्रोडक्टिवली हो गया, जिससे इतने बच्चों को जो मैं हम लोग टारगेट कर रहे थे वो बच्चों को टारगेट करना बहुत आसान हो गया, और उसको जो है हमने जब टारगेट किया बहुत आसानी से किया और बहुत अच्छे से उनके पास वो चीज़ें पहुँच पाई, राइट। तो इस तरीके से जब आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया और उसको जस्टिफाई कर दिया विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, आपका एक बहुत ही यूनिक बोला जाएगा कि यू आर मेकिंग योर पर्सनालिटी वेरी यूनिक, एंड उसको एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीज़ें आप बता रहे हो, तो शायद वो और ज़्यादा उसमें उसको मेक श्योर उसको बहुत ध्यान से सुने। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टुक NCC, है ना, इन माई कॉलेज डेज एज वेल एज स्कूल डेज। तो मैंने स्कूल में 2 साल की NCC किया, मैंने कॉलेज में 3 साल का NCC किया, तो मेरे पास 5 साल का NCC का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया UPSC में, तो आई यूज द NCC एक्सपीरियंसेस टू जस्टिफाई माई पॉइंट, टू जस्टिफाई माई पर्सनैलिटी ट्रेट, दैट NCC में मैंने सीखा जो हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है, दैट इज़ एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप किस तरीके से अपना जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो मैंने NCC से सीख लिया था, कैसे सीखा, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, तो जब एग्जाम्पल दिया तो फिर वो देवर हैप्पी विद माय एग्जाम्पल और देवर हैप्पी विद माय स्टेटमेंट, यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो यहाँ से चेंज समझ आ जाता है कि यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल, गुड टू गो, विल मेक योर थिंग यूनिक, राइट। उसके अलावा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी जैसे ही इंटरव्यू आपका थोड़ा लेट आएगा, तो जितनी भी पहले ट्रांसक्रिप्ट हैं जो बच्चों की पहले इंटरव्यूज़ लिए गए हैं EPFO के अंदर ही, तो वो सारी ट्रांसक्रिप्ट को फटाफट पढ़ लीजिएगा और उन ट्रांसक्रिप्ट के जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर उनको पढ़ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए क्या क्या मेरे काम की चीज़ होगी, राइट, क्योंकि वो चीज़ें ट्रेंड डिसाइड करती है कि वो पैनल जो है या पूरा का पूरा EPFO का इंटरव्यू कौन कौन से एस्पेक्ट में जा रहा है। तो अगर वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वेरी गुड, इट विल स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन, ट्रांसक्रिप्ट को मिस नहीं करना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा करंट अफेयर है, जितने अच्छे से करंट अफेयर, आई वुड हाईली सजेस्ट लास्ट 6 महीने के करंट इश्यूज जो हैं उनको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आउट कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से एक आंसर डिलीवर कर पाएं, आपके पास नॉलेज होगी तो आप आंसर डिलीवर कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिए, नॉलेज इज जस्ट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, राइट। बहुत सारे नॉलेज इंटेलेक्चुअल लोग आपके होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, बट उनको इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, रीजन बींग क्योंकि दे ओनली मेक दैट इम्पैक्ट की ऑन द इंटरव्यूअर कि मेरे पास सिर्फ नॉलेज है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है वो उसमें स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं इसीलिए। बट फिर भी आपको नॉलेज के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है, करंट अफेयर लास्ट 6 महीने के करंट इश्यूज, मेक इट क्लियर, राइट। उसके बाद हॉबीज है, हॉबीज के थ्रू जो है आप एक एस्पेक्ट अपना पर्सनालिटी का दिखा सकते हो, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट दिखा सकते हो, जहाँ पे आपका जो कैंडिडेचर है और ज़्यादा मजबूत हो जाए, आप उस कैंडिडेचर को और अच्छे से एडवोकेट कर पाओ, राइट। तो हॉबी सेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हॉबीज में सिर्फ इस तरीके से मत बोलिएगा कि नहीं आई प्लेट एंड उसको ना प्रैक्टिकल दिखाइएगा कि कैसे ये हॉबी सेक्शन जो है मेरे प्रोफाइल के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आई लव फिजिकल एक्टिविटीज़, आई लव रनिंग, मेरे को रनिंग पसंद है, तो मैं कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर ही।
रनिंग, इफ आई डू रनिंग इट विल मेक इट श्योर कि मैं कार्डियोवेस्कुलर, मेरे को आई विल बी फिट एज फार एज द कार्डियोवेस्कुलर एस्पेक्ट इज कंसर्न ऑफ माई बॉडी, और उससे जो है मैं आगे जाके और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। मैं ये जो रनिंग वाले एस्पेक्ट है अपने कलीग्स के साथ शेयर करूंगा, मैं आगे जाके कोई कैंपेन शुरू कर दूंगा, मैं अपने जो EPFO ऑर्गेनाइजेशन के मेरे डिपार्टमेंट के अंदर लोग होंगे उनके साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाऊंगा, फिजिकल हेल्थ को भी लेके, मेंटल हेल्थ को भी लेके। तो इस तरीके से आपके पास ना एक वो होना चाहिए, एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए कि आपकी हॉबी ऐसी है तो उस हॉबी से क्या क्या सवाल निकल सकते हैं, ये हॉबी आपको कैसे हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में, ये हॉबी आपको कैसे हेल्प करेगी आपकी जॉब के अंदर। तो ऐसी ऐसी सवालों को तैयार करके रखिएगा, एंड डेफिनेटली इस हॉबी से आपकी पर्सनालिटी एसेस वो लोग करते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, हॉबी ऐसी हो जो मतलब फॉर एग्जांपल उनको मन करे सवाल पूछने का, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो वो फिर एकेडमिक्स में चले जाते हैं, दे लास्ट यू सम क्वेश्चन फ्रॉम दी फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, फ्रॉम योर पास प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और 15-20 मिनट वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सही नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस, कि ये सारे पॉइंट्स को आप फंडामेंटल्स को एकदम तैयार रखिए, हमेशा इनको दिमाग में रखिए। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि कोई भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं आप, तो बीच में ना एक हफ्ते का गैप रखो, बीच में एक हफ्ते का गैप रखो, जो प्रीवियस मॉक इंटरव्यू में आपने गलती की है, जो आपको लगता है और जो एसेसर आपको बता रहा है, उन दोनों को ध्यान में रखो, खुद भी एनालाइज करो, बिकॉज यू आर ऑल्सो सो मेच्योर पीपल, आपको भी पता है अपनी गलतियों के बारे में। जब आप भी उस मॉक इंटरव्यू रिकॉर्डिंग को बार बार सुनोगे तो खुद भी एनालाइज करो और सामने वाले को भी देखो, सामने वाला क्या पता आपको कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और आपको लग रहा है कि यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो दोनों को मेक श्योर कीजिए, एक हफ्ते का टाइम लीजिए, फिर एक और मॉक दीजिए, फिर एक हफ्ते का टाइम लीजिए। डोंट गो विद दी मल्टीपल मॉक्स इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ डे, इन जस्ट फ्यू डेज, राइट, उसमें आपका कुछ इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और टिप दूंगा, दैट इज कि ये ऑफलाइन होने वाला है तो एटलीस्ट गिव 2 or 3 ऑफलाइन इंटरव्यूज ऑल्सो, ठीक है। ऑनलाइन का अपना पॉइंट होता है लेकिन ऑफलाइन का अपना एक चीज होती है, जो अल्टीमेटली आप देने वाले हो ऑफलाइन ही दोगे, तो ऑफलाइन जरूर 2-3 इंटरव्यूज दीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर मैं ना राजस्थान में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे आगे पीछे कोई कोचिंग वाला नहीं देगा ऑफलाइन, वहाँ पे अगर है भी तो कोई छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए कोचिंग मिलती है, तो मेरे को कहाँ, मैं दिल्ली भी नहीं आ सकता एकदम से, मेरे को लिमिटेड है मेरा दायरा। तो क्या कर सकते हो, देखो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, उनको मना लो जिनके सामने हिजक होती है आपको कि हाँ मैं इंटरव्यू इनके सामने नहीं दे सकता या मैं सोच भी नहीं सकता इनके सामने देने की, तो उनको सामने खड़ा कर दो, वो चाहे जैसे मर्जी सवाल पूछे, लेकिन खुद की तरफ से आपको अपना 100% देना है कि यस आई हैव टू परफॉर्म 100%, आई हैव टू मेक श्योर कि ये मेरा फंडामेंटल है, इनको मैं पूरा अपने उस मॉक इंटरव्यू के अंदर, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू के अंदर मैं परफॉर्म करूं। ये ऐसी चीज़ें मेरे सामने भी आई, मेरे सामने भी कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर आई कम फ्रॉम अ वेरी कंट्री साइड, या मैं गांव वाले एरिया से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे मॉक इंटरव्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मेरे लिए दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि इस तरीके से आप जिसके सामने भी हिजक होती है उसके सामने ये मॉक इंटरव्यू दे दीजिए। ये मत सोचिए कि वो बंदा कैसा है, वो चाहे हिंदी में भी सवाल पूछ ले, आप अंग्रेजी में बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और नहीं है, आपने खुद को एनालाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा डेली इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड रियली वॉन्ट टू असेस योर सेल्फ एंड रियली वॉन्ट टू बी द बेस्ट ड्यूरिंग योर जजमेंट डे, आपने क्या करना है, डेली मिरर प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा जो है या 45 मिनट्स डेली मिरर प्रैक्टिस कीजिए, सामने मिरर रखिए एंड अपने से ही सवाल पूछिए एंड आंसर कीजिए स्ट्रक्चर करके। तो ऐसे आपके पास 50-100 सवाल होने चाहिए आपके डैप से रिलेटेड, जो आपके पास तैयार हो, स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप यही देखोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को आई टू आई आंसर देने की, राइट, इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है,
अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट इज कि अपने साथ जो आपके ही ईपीएफओ के हैं एस्पिरेंट्स हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो जो आप ही के लेवल के हैं, अगर कोई हिंदी माध्यम का है जो हिंदी में बात इंटरव्यू देगा तो आप इंग्लिश वाले के साथ कॉन्टैक्ट मत रखिए ज़्यादा, उसके साथ डिस्कशन मत कीजिए। हिंदी वाला हिंदी के साथ ही डिस्कशन करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले के साथ डिस्कशन करें, दो लोग जो हैं आपस में डिस्कस करके इस तरीके से वन बाय वन जो है एक प्रॉपर डेली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वॉट एवर द डेज आर लेफ्ट, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स इस तरीके से। एंड एक चीज़ जो लास्ट चीज़ है, शायद ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है, आई रियली डोंट वॉन्टेड कि लंबा सेशन चले जाए, लेकिन दिस टिप इज एक्चुअली हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू, कि पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उस टाइम पे कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग भी कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, इट इज़ ऑल गुड टू गो। जस्ट आफ्टर रिलैक्सिंग योरसेल्फ उसके बाद क्या करो, कम से कम 10 मिनट के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करो। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब ये है कि आप अपने पास 5 से 6 या 7 सेंटेंसेस जो हैं वो लिख लो, ठीक है, वो लिख लो और उसमें अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखो कि आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट और ब्रिंग द बेस्ट पर्सनैलिटी ऑन दैट डे, आई एम द बेस्ट पर्सन और ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव अफर्मेशन, इट लिटरली वर्क्स, राइट, ये काम करता है सुबह और रात को सोने से पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली ये एफर्ट्स हैं, और जब इंसान एफर्ट करता है तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो वो रियल कॉन्फिडेंस आता है, और वो रियल कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, आपको जिस दिन आपका परीक्षा होती है उस दिन आपको ज़रूर सपोर्ट करता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास, टुडेज सेशन, एंड अगर आपको ये पसंद आया तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं अभी पीटिया के साथ जुड़ के, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।